आज इस वीडियो में बॉलीवुड के इतिहास के 10 सबसे बड़े विवाद जो कि ड्रग सेक्स घोटाले से जुड़े हुए हैं उसके बदसूरत पक्ष को उजागर करने जा रहे हैं। वैसे बॉलीवुड में विवादों का दौर हमेशा से रहा है, अक्सर सितारे गलत वजहों से सुर्खियों में आ जाते हैं। शाहरुख खान अपने बड़े बेटे आर्यन खान के ड्रग मामले में गिरफ्तार होने के बाद विवादों में घिर गए थे। आर्यन को जमानत पर रिहा होने से पहले करीब 3 हफ्ते जेल में बिताना भी पड़ा। इस मामले ने एक बार फिर बॉलीवुड को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में जांच के घेरे में भी ला खड़ा किया था। अब बात करें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की और रिया चक्रवर्ती पर पड़े प्रभाव की, तो उसमें भी कई सारी चीजें विवादों को लेकर खड़ी हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत ने बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में से एक को जन्म दिया। सुशांत की पार्टनर रिया चक्रवर्ती भी सवालों के घेरे में आ गई थी। उसे एनसीबी ने गिरफ्तार भी किया था और उन्हें करीब 1 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के पिता ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। बॉलीवुड और ड्रग का भी बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले और बॉलीवुड में ड्रग की आपूर्ति की जांच कर रही एनसीबी के बाद दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जैसी अभिनेत्रियों को जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद कई और मामले धीरे धीरे सामने आने लगे थे, जिसमें मामला सीधा सेक्स से जुड़ गया और एक ऐसे स्कैंडल से जुड़ गया जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी विवादों में तब घिरे जब उन पर कई प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट बनाने और वितरित करने का आरोप लगा। उन्हें कई दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। यानी कि राज कुंद्रा की जैसे जैसे हिस्ट्री खुल रही थी वैसे वैसे कई और मॉडल्स और एक्ट्रेस सामने आ रही थी जो बता रही थी किस तरीके से पैसे के लालच देकर उनसे गलत काम करवाया जाता था और कई बार उनको फोर्स भी किया जाता था। अगर बात सेक्स की ही चल रही है तो इसमें साजिद खान को भी घेरे में ले लिया था। एक मीटू कैंपेन चला था और उस मीटू कैंपेन के तहत बॉलीवुड की कई सारी मॉडल और एक्ट्रेसेस सामने आई। उन्होंने खुलकर बोला और मीडिया को अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से उनके साथ में कई सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने दरिंदगी भी की थी और सीधा सीधा इल्ज़ाम साजिद खान पर भी लगा था। इसके साथ ये भी बताया गया था कि साजिद खान ने किस तरीके से मॉडल और एक्ट्रेस के प्राइवेट पार्ट के साथ में खेलना चाहा और कईयों के साथ खेला भी, किस तरीके से बदतमीजी की, ये भी सारी चीजें सामने आई थी। बॉलीवुड का ये काला चिट्ठा आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से खुलता आ रहा है, लेकिन इस पर रोक आज तक नहीं लग पाई है। अगर हम बात करें कंगना रनौत की और ऋतिक रोशन के विवाद की, तो इसने भी कई सारे मुद्दों को सामने लाकर खड़ा कर दिया था। कंगना रनौत द्वारा ऋतिक रोशन को अपना मूर्ख एक्स कहने के बाद दोनों के बीच लंबी दुश्मनी हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और एक दूसरे की ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गई थी। इसमें बताया गया कि किस तरीके से कंगना रनौत ड्रग के एक बहुत बड़े चंगुल में फंस चुकी थी और वो इतना ज़्यादा ड्रग ले रही थी कि उसकी मानसिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और बस इतना ही नहीं, अगर बॉलीवुड का चिट्ठा खुल ही रहा है तो करीना कपूर का लव जिहाद भी विवादों में आया था। करीना कपूर ने जैसे ही सैफ अली खान से शादी करने का फैसला किया वह विवादों से घिर गई। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी ने लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसमें करीना का चेहरा भी था। और लाल तो इतना ही, इन सभी बॉलीवुड के विवादों को लेकर आप क्या कहेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।